हाय दोस्तों, हर हर गंगे, आप सबका हार्दिक स्वागत है। रमेश कुमार वेब लोक समय। अभी आप हरिद्वार से निर्मल जल की पावन दर्शन कर रहे हैं। जल की गति पहाड़ों में जो बारिश हुई है उसके वजह से आप देख रहे हैं काफ़ी तेज हो चुकी है। अभी हम सुभाष घाट में हैं। आज आपको सुभाष घाट, हर की पैड़ी, नई घाट और कऊ घाट, विष्णु घाट, सारे घाटों का दृश्य देखने को मिलने वाला है। अभी आप दृश्य देख रहे हैं महिला घाट का। आज मौसम काफ़ी अच्छा है और मौसम अच्छा होने की वजह से हरिद्वार में आए हुए श्रद्धालु के चेहरे में अलग ही रौनक देखने को आज मिल रहा है। धूप भी हल्की हल्की सी है, कभी छाँव तो कभी धूप हो रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आप सबसे एक प्यारी से रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम अभी खड़े हुए हैं मालवी घाट में, लेकिन आप दृश्य देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद पार्क का। स्वामी विवेकानंद पार्क में ही भगवान शिव की काफ़ी ऊंची आपको मूर्ति देखने को मिलती है। मालवी घाट में आप लोग देख रहे हैं काफ़ी सारे श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। मालवी घाट में काफ़ी अच्छी सुविधा है, इसके वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजिंग रूम हैं और जल की गति यहाँ पे काफ़ी तेज़ होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक चेंजिंग रूम ये है, लाइन से एक चेंजिंग रूम बने हुए हैं। शनिवार और रविवार को हरिद्वार में काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या में भीड़ वृद्धि देखने को मिलता है। आज शनिवार है तो आज श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ी वृद्धि देखने को मिल रहा है। कल संडे है, कल काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखने को मिलने वाला है। स्नान के बाद कपड़े घाट पर ना छोड़े, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे सफाई वाले रहते हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है घाट को साफ सफाई रखने में। पॉलीथीन का यूज़ अगर आप करते हैं तो डस्टबिन में डालें या फिर अपने साथ लेके जाएं। धनुष वाली जो ब्रिज है उसका दृश्य हम आपको दिखाएंगे। ये जो छोटा छोटा ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है ये वीआईपी घाट की ओर जाता है, लेकिन वीआईपी घाट में जाने से पहले ही रास्ते बंद कर देते हैं तो आप वीआईपी घाट तक नहीं पहुँच सकते इस ब्रिज से। इस वाले ब्रिज का द्वार तभी खोला जाता है जब यहाँ पे कोई बड़ा स्नान होता है या फिर साधु संत स्नान करने आते हैं। हम आ चुके हैं हर की पैड़ी में और हर की पैड़ी में काफ़ी सारे श्रद्धालु आ रहे हैं और काफ़ी सारे श्रद्धालु स्नान करके जा रहे हैं। अभी हमें नई घाट पे और नई घाट का दृश्य आप देख रहे हैं। जो धनुष वाले जो ब्रिज है वो खुला है अभी, और उस ब्रिज से होके हम डायरेक्ट जा सकते हैं हाईवे की ओर। ये देख सकते हैं वो मार्ग है, आपको दिखाई दे रहा होगा, या फिर हम दूसरे मार्ग से भी आ सकते हैं। अभी कुछ देर में आपको बताएंगे कि हम किस मार्ग से हर की पैड़ी आ सकते हैं अगर आपको रास्ते बंद मिले तो। काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का कहना था कि रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो हम किधर से आएँ, हमें चलने की ज़रूरत कम पड़े और भीड़ भी उधर ना हो। तो अभी हम आपको दिखाएंगे मार्ग कि आपको किस मार्ग से आना होगा, और वहां पे आपको केवल 500 से 400 मीटर चलने की ज़रूरत होगा। लेकिन घाट होने की वजह से 400 मीटर कब पार होगा, कब बीत जाएगा, दूरी कब चली जाएगी, इसका आपको पता नहीं चलेगा। अभी हम सुभाष घाट में आ चुके हैं। सुभाष घाट से थोड़ी दूर जाएंगे वाली ब्रिज से होकर हम डायरेक्ट गऊ घाट, गऊ घाट से ऋषिकेश बाईपास के पास से हमें विक्रम टेम्पो मिल जाएगा हरिद्वार बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के लिए, ये देख सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट शिव घाट होते हुए ये वाली ब्रिज से भी नई घाट पहुँच सकते हैं। काफ़ी सारे मार्ग हैं अगर आप गऊ घाट आ जाते हैं तो। अभी हम चल रहे हैं सुभाष घाट से गऊ घाट, और आपको बताएंगे कि कुसा घाट जाने का कौन सा मार्ग आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप अगर अपर रोड से होके आएंगे तो सही रहेगा कि आपको ऋषिकेश बाईपास वाले मार्ग से आना होगा।
सुभाष घाट में भी काफ़ी सारे चेंजिंग रूम आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी काफ़ी सारे श्रद्धालु आज डुबकी लगा रहे हैं। ये देख रहे हैं दोनों ओर, ये आप देख रहे हैं राइट की ओर, ये देख रहे हैं लेफ्ट की ओर, दोनों ओर ही काफ़ी सारे चेंजिंग रूम बने हुए हैं। अगर आप ऋषिकेश बाईपास की ओर से आते हैं तो पहला ब्रिज ये आने का है, दूसरा ब्रिज ये आने का है, तीसरा ब्रिज तो मैंने आपको बता दिया धनुषवाली ब्रिज, तीन ब्रिज है डायरेक्ट हर की पैड़ी पहुंचने के लिए। ये सुभाष घाट है और सुभाष घाट में बड़ा सा यहाँ पे वृक्ष है जिसके छांव में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये वाली ब्रिज से हम जाएंगे अभी ऋषिकेश बाईपास की ओर और दो ब्रिज है जैसे कि हमने पहले ही बता दिया, एक ब्रिज आपको दिख रहा होगा जो मुड़ा हुआ है, दूसरा ब्रिज आपको दिख रहा होगा धनुष वाली। तो अभी हम आपको बताते हैं कुशाघाट जाने का मार्ग, ये मोती बाजार की ओर से आप कुशाघाट जा सकते हैं, यहाँ से मात्र आपको 150 से 200 मीटर ही चलना पड़ेगा। ये वाली ब्रिज में हम आ चुके हैं, आप ब्रिज का दृश्य आप देखेंगे, काफ़ी शानदार दृश्य यहाँ से देखने को आज मिल रहा है। ये वाली जो घाट आपको दिखाई दे रहा है ये है विष्णु घाट, ये कुशा घाट है, यहाँ से डायरेक्ट मार्ग नहीं जाने के लिए तो आपको घूम के ही आना होगा। ऐसे हम आपको अभी विष्णु घाट जाएंगे और विष्णु घाट का भी दृश्य इस वीडियो में देखने को आपको मिलेगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, हर गंगे।